तो साची, जी ये एक चार्ट है, जी इसे खुश गतिविधि चार्ट कहते हैं, है अच्छा ना। जी और इस चार्ट में हमने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपको करना पसंद है, जी जिसमें आपको अच्छा महसूस होता है, जो करके आपको खुशी होती है। तो जी वो कौन सी चीज़ें हैं साची, जो करके आपको खुशी महसूस होती है? दीदी, मुझे शहर पे जाना पसंद है और टीवी देखना पसंद है, दोस्तों से बात करना पसंद है, बस दीदी। तो बस और कुछ नहीं, आपको यही करना है, जो चीज़ें करना आपको पसंद है, जी जिसको करके आपको खुशी मिलती है, जी आप अपने रोज़मर्रा में अपने हर दिन में वो चीज़ें करें, जी इसके लिए आपको प्रयास करना है। जी बहुत बार क्या होता है कि हम तनाव में होते हैं और हम सोचते हैं कि तनाव में रहते हुए हम कैसे वो चीज़ें करें जो हमें अच्छा महसूस कराती हैं, जी और हम वो चीज़ें करना छोड़ देते जी हैं। दीदी जबकि होता उल्टा है, अगर आप तनाव में हैं और अगर वो चीज़ें करना शुरू कर दें जो आपको बहुत पसंद है, जिससे आपको खुशी मिलती है, तो आपका तनाव भी कम हो जाता जी है ना। तो आपको करना ये है कि जो भी चीज़ें आपको करने की खुशी मिलती है, आपको वो करना है, अपने रोज़मर्रा के जीवन में से शामिल करना है। हर दिन कोशिश करनी है कि आप कोई चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं आप करें। और ये एक चार्ट है जिसको हम खुश गतिविधि चार्ट कहते हैं। जी तो इस चार्ट में आपको उस दिन निशान लगाना है कि आपने कौन कौन सी गतिविधि किस किस दिन और कितनी देर के लिए की है, जी ताकि आप ये रख पाएं नज़र कि जी क्या आप वो चीज़ें कर रही हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में जो आपको खुशी देती है, और कितनी बार कर पा रही हैं, कितना अच्छा महसूस कर पा रही हैं उसे करने के बाद जी में, और कैसा आपको लगता है। तो इसको करने से आपको ये सब पता चलता रहेगा। जी तो मैं आपको ये चार्ट देकर जा रही हूँ जी साची, दीदी तो आपको ये करना है कि इस पे निशान लगाना है और लगातार नज़र रखनी है कि क्या आप वो गतिविधियाँ कर रही हैं या जी नहीं। ठीक है? बिल्कुल दीदी, मैं कोशिश करूँगी इसको करने की दीदी ठीक है साची, जी फिर आपसे मिलने आऊँगी, तब हम आगे बात करेंगे कि इस सब का कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ठीक जी है, जी दीदी ओके, थैंक यू। सेशन 12, सत्र 12 में हमने अभिवादन करने के बारे में जाना। पिछले सत्र के बारे में बातचीत करते हुए नए सत्र की शुरुआत करने के बारे में सीखा, मूड रेटिंग स्केल, उसका महत्व, और ये मूड रेटिंग स्केल किस तरह से माँ की मदद करेगा, इसके बारे में भी इस सत्र में जाना। माँ का बच्चे के साथ समय बिताने वाला चार्ट और खुश गतिविधि चार्ट के बारे में भी इस सत्र में हमने चर्चा की।